पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में बंद 8 पूर्व नेवी अफसरों को फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है। अक्टूबर 2023 में कतर की अदालत ने सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को कहा गया कि कतर की अदालत ने सभी पूर्व अफसरों को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया है। मौत की सजा पर रोक तो लगा दी गई है, परिवार वालों का भी बयान सामने आया है, उसके बाद उन्होंने राहत की सांस पी ली। वहीं अगले कदम को लेकर सतर्क भी हैं। परिजनों का कहना है कि फांसी पर लगी रोक को हम अपनी जीत नहीं बता सकते, हमें आगे के शीर्ष अदालत में, उच्च न्यायालय में इसका रुख करना होगा कि आगे उनको वहां से लाया जा सके। अंग्रेजी वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व नेवी अफसरों की परिवार वालों ने विस्तृत जानकारी दी, उन्होंने फैसले की कॉपी भी मंगवाई और उनको देखा, उनके बात भी की, जिसके बाद कतर की सर्वोच्च अदालत की ओर से रुख किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बात कही गई है कि कतर की कोर्ट में अपील की अब तक 6 सुनवाई हो चुकी है, 3 सुनवाइयां अपील अदालत में हुई है, वहीं अन्य 3 निचली अदालत में हुई है। परिवार वाले सभी पूर्व नेवी अफसरों की भारत वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं और जोर भी दे रहे हैं। We have issued a detailed press release yesterday on this. You would have seen this. For the moment, I don't have any additional information to share till we see the judgment of the legal team gets to see the detailed judgment. Let me also emphasize, as I have been doing, and you've all been very patient on that, the confidential and the sensitive nature of the case, and we would urge again not to engage in speculation. The interests of the Indians and their family members is our foremost concern, and so please bear with us. Tamim bin Hamad Al Thali सभी आरोपियों को माफी भी दे सकते हैं, लेकिन अमीर की माफी कतर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही लागू की जा सकती है। 8 लोगों में से एक के परिवार वालों ने बताया कि क्षमा याचिका दायर करने में कम से कम 3 महीने और लगने की संभावना है। कतर में अरेस्ट हुए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा पर रोक लग गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन पूर्व भारतीय नेवी अफसरों की किसी तरह से भारत वापसी हो सकती है। इस बात पर मुहर फिलहाल लगाना मुश्किल है, लेकिन भारत की तरफ से इसकी कोशिशें की जा रही है, जो जीतोड़ कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2015 में भारत और कतर के बीच में एक करार पर समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था दोनों देशों के बीच में, जिसके तहत कतर की जेल में बंद भारतीय कैदियों को भारत और भारत की जेल में बंद कतर के कैदियों को कतर भेजे जाने की मांग की जा सकती है। तो अब आपको इस समझौता के बारे में बताते हैं कि आखिर क्या कानून है, कि क्या भारत और कतर के बीच में यह जो समझौता हुआ उससे भारत को फायदा होगा, 8 पूर्व नेवी अफसर भारत आ सकेंगे। आपको ये समझौता बताते हैं। सबसे पहले कतर में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को पहले वहां फांसी की सजा दी गई थी। तब मुश्किल ये थी कि अगर कतर की कोर्ट अपने इस फैसले पर कायम रहती है तो पूर्व अफसरों को भारत वापस ला पाना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब कतर की अदालत ने अपने फैसले को बदलते हुए फांसी की सजा पर रोक लगा दी, लेकिन सभी पूर्व नेवी अफसर कतर की जेल में अब भी बंद हैं। अब समझौता से क्या फायदा होगा ये भी समझ लीजिए। दरअसल भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2 दिसंबर 2014 को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कतर के साथ कैदियों की अदला बदली संधि ट्रीटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन पर मुहर लगाई गई। संधि पर मुहर लगने के बाद अगले ही साल 24 मार्च 2015 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल ने ये संधि पर मुहर लगाई। इस संधि के तहत भारत के दौरे पर आए कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थाली आए थे और उसी दौरान इस संधि पर मुहर लगी थी। इस दौरान भारत और कतर के बीच में कैदियों के प्रत्यर्पण को लेकर करार किया गया था। इस संधि के मुताबिक अगर कतर की जेल में कोई भारतीय कैदी बंद है तो भारत उसे बाकी की सजा भुगतने के लिए भारत भेजने की मांग कर सकता है। ठीक ऐसा ही भारत को भी करना होगा। अगर कतर का कोई कैदी भारत के जेल में बंद है तो कतर उसे भेजा जा सकता है। जैसे अगर कतर का कोई कैदी भारत में बंद है तो कतर भेजने की मांग कतर कर सकता है।
भारत के किन देशों के साथ ये संधि हुई है? अगर इसकी बात की जाए तो भारत सरकार के अब तक कई मुल्कों के साथ इस तरह की संधि समझौता हो चुकी है। इसमें ब्रिटेन, मॉरिशस, बुल्गारिया, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, श्रीलंका, यूएई, मालदीव, थाईलैंड, तुर्की, इटली और बोसानिया और इसके अलावा इजराइल, रूस, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया ये देश हैं। इसके साथ ही कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया और स्पेन के साथ भी इस संधि को किया गया है। भारत ने इस संधि का किया है कि वहाँ के कैदी को यहाँ और यहाँ के कैदी को वहाँ अदला बदली कैदी को किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले को समझिए। पिछले साल 25 अक्टूबर को मृत्यु भार्गव नाम की महिला एक ट्वीट की थी। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में। मृत्यु भार्गव कमांडर पूर्वेंदु तिवारी के बहन है। इन अफसरों पर कथित तौर पर इसराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इसराइल को देने के आरोप लगाए गए। नौसेना के रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दहरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती थी, साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान की मुहैया भी कराती थी। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। पिछले साल उन्हें भी भारतीयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया और बाकी 8 कैदियों की रिहाई नहीं हुई, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। ये 8 कैदी हैं कौन? नेवी के 8 पूर्व अफसरों के नाम कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्वेंद्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पगाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और राजेश हैं। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवाएं दी थी। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा और अहम पद पर तैनात भी रहे थे। अब देखते रहिए न्यूज़ पर।